असलम क्या हाल है, ठीक है? तबियत से ठीक है। मैं हाँ मोहम्मद शहजाद सर यूट्यूब चैनल वेला मुंडा। माशाल्लाह सुबह सुबह गुड न्यूज है कि सारे दुकाना की जड़ा ना छत आ चुकी है। परदे की आवाज इस वजह तो रीति नहीं क्योंकि इर्द गिर्द साढ़े रिश्तेदार के घर पे ताकि पेपर की नती वे क्योंकि मर्द हजरात उत्ते चढ़ सन ना कम कार वास्ते। व्यूअर मेहनत और मुशक्कत वाला काम है पिया, देखने तो बड़ा ईजी लगता पे लेकिन काफी हार्ड वर्क है पिया। इन्होंने जल्द जल्द एक दो त्रे चार गाडर लद भी की मैं इतना लेंदा पिया टाइम लैस। तुसा जरा देखो टाइम लैस क्योंकि टाइम लैस जो तेल सीन बहुत खूबसूरत और प्यारा नजर आती है। स्टैंड सट उतते मैं नहीं पिया है तो रास्ते में वापस गया। अच्छा वापस गए नहीं स्टैंड सट तो सही तल उत ए इन सट इंज इंज उत तो सट। हां जी यस फाइनली वर्क कुल मिला के इन्होंने तकरीबन 98% छत कंप्लीट कर दी है। तो सा टाइम लैप्स दिता उसे टाइम लैप्स का तकरीबन कोई 15-20 सेकंड मुक गया उसे लेकिन इन्होंने तकरीबन आधा घंटा लग गया और काफ़ी मेहनत लग गई है। ये कोई सारी छत का मुकम्मल व्यू ही वे पे इस टाइम का मतलब सारी छत हूँ थी चुकी है कंप्लीट। और जिन्होंने एजेंट ने सारे चैनल को सब्सक्राइब क्या नहीं किया जल्दी जल्दी मारो सब्सक्राइब तो वाला शूट ने पे अज मजेदार वीडियो। नवे ट्रैक्टर के उत्ते पहुंचे सारी छत कितने लकी है पे ट्रैक्टर ही नवा तो छत ही नवी छत के उत्तों का व्यू तो ऑलरेडी दिखी खड़े हुए हूँ तो छत देना अंदर का जुड़ के व्यू दिखा कि छत अंदरों इस टाइम कैसी नजर आती पी क्योंकि पिछली वीडियो तो थोड़ी ठाउसी दीवारा तो कंप्लीट थी चुकी है। हूँ अलहमदुल्ला छत के अंदर का कुछ ए वाला व्यू ही वे पिया माशाल्लाह। इन तले थी मैंने ना सीलिंग छत बहुत मजीद एक अपडेटेड और खूबसूरत थी वैसे क्या मशवरा है पे तले सीलिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए या इवें ठीक लगी खड़ी इसे उत्ते पेंट करा दो क्या मशवरा है पे थोड़ा दसाए कमेंट च मेको। ट्रैक्टर दे शौकीन वे ताई कुछ चेक करो 385 मैसी टीप अपना अपना लिया कंक्रीट छते अगु इना दा मोबाइल नंबर लिखा कर जिने छत गिननी होवे ई मोबाइल नंबर ते رابطہ کرنا کوئی بھی موبائل تے بھی کر کے WhatsApp تے کرنا چاہون تے 0300 3161 436। ओके व्यूअर छत गिनना चाहो इन्हां दी लईया कंक्रीट वालेयां दी ते इन्हां नाल इसे मोबाइल नंबर ते رابطہ कर सकदे हो और इन्हां कने छत मंगवा सकदे हो। उस तो बाद व्यूअर हुण आ चुका है बिल जिहड़ी छत पाती ने इहदा टोटल बिल बणिया खड़ा वे 1,36,000 मतलब 1,36,600 रुपया ते लाल वीरो गिणी बैठा पूरा रात जे लाख रुपया देने पे और उतला 3600 रुपया देना रोटी खासो रोज अस्तारी करवाउणी तुसो मैं रोज जे हां ठीक है रोज जे अस्तारी मतलब अस्तारी टाइम रोटी खवेंदे नहीं आउंदी पूरी पूरी इफ्तारी करवा दी वैसे 3600 रुपए दी मेहरबानी उस्ताद जी गिन कितना गिन तो सही कितना 20 नोट मतलब पूरा लाख इन चु 3600 रुपया घाटे समय ऐसा कोई इफ्तारी करा दी ठीक है जन्नत तक कोई उतला 3600 ने से ये इफ्तारियां कराई वेना इवें कह ना तुसा करवाणी है उना करा नहीं इफ्तारी करा उना दा नाम है ओटे सो यार राजी उस्ताद जी सारे दिल ना राजी हो चलो मेहरबानी अल्लाह पाक तो वसदा रखे दुआ करा सारे किते छत पाने के बाद सीधे वापस कर दो। उस तो बाद भी तो मजीद गुड न्यूज देव गुड न्यूज क्या है पे लो इस जगह तो जुड़ के थोड़ा दिखाना सेना दिखाना बल्कि सारा कुछ समझे ना असा इस टाइम आखना रिजवान भाई के घर और थोक पता है असा त्रे चार कमरे नवे बनाए से लेबर रूम जैसे साढ़े लेबर लड़के वगैरह होने पे एक किचन भी रिजवान भाई का नवा बनाया से लेकिन ये हूँ इतने नवे बनाने के बाद ना पेंट को नहीं तो असा इन्हें को पेंट स्टार्ट करी पाए ये सामने पेंट आया पे और पेंट करेगा कड़ा पे सारा दोस्त प्यारा चौधरी फरूक साहब तेरी मोहब्बत की बेहद शुक्रिया चौधरी नहीं किचन का भी क्रीम कलर जो बारह लेबर रूम बना खड़े भी क्रीम कलर करे उस तो बाद सारा डेरा बड़ सी भी असा क्रीम कलर करे मतलब सारा घर लेबर रूम किचन डेरा ये सारा एको कलर का थी ताकि एको कंट्रास्ट बने सोना लगे और एडू पिंजरे रिजवान भाई कबूतर जाना ना गुट रगून लाई बैठन और एडू मेरी मानो बिल्ली लॉ फेरा करें वादिया पूरे घर के बिया व्यूवर था याद हो पिछली वीडियो तो दिखी हो असा कल जरा ना ये देखो सोलर प्लेटा गिन के आया से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्लेटा सारे घर को बिजली फ्री और इन प्लेटा को लावन वास्ते ना एक फ्रेम बनावना से जेडे फ्रेम दे उते ए प्लेटा रखसो ता अब जान अजलो प्लेट फ्रेम गिनन
रक्षा घर खड़े थे जी हां बालू सडे ना आओ वाला जुलू फ्रेम एंगल घेना हो तो वाला फ्रेम आप बने सो हां चलो सामने सा सब्जी वाला जेड़ा ना शोर करती रहता है 150 रुपए किलो बालू आजा रक्षा छक्का वाला जुलू शहर दी तरफ तू रक्षा छकिया असा कार ते जुलदे पैगो असा एंगल परचेस कर गिंदे रक्षा दूते वाला लड्डे यार ने यार ने बब्बल ने आजा शहजाद बिरा असा ऐसे रुदानी शहर चो बड़ा दूर दा सफर करके आए से तेरे को मिलन दी मेरी ख्वाहिश है अक्सर मैं तेरी वीडियो दे रहा ना लेकिन जब बंदा कोई दी वीडियो को दे दे दिल करे ने कोई को मिलन ते मेरा दिल कीते मैं तेरे को मिलन कीते आया बड़ा सफर करके आया तकरीबन पैसे भी मेरे काफी सारे लग गए अच्छा गाड़ी दा टायर भी पंचर थी गयो थंकर गाड़ी मेरी खड़ी मोटरसाइकिल ए मेरा छोटा बिरा है ठीक है ए मेरा भांजा नाल आया वदे ठीक है बड़ा दूर दा सफर करके आए से काफी सारे लोग भी ए आ जन बे वेला मुंडा कहना मिल सी अच्छा असा अल्लाह दी कसम है शर्म को ई कर वेना से मु अच्छा असा दे देख लोग दे दन बे अक्सर नवे बंदे आए वदन बे कोई दे शहर च मिलन की ताए ठीक है लेकिन सब खुशी थई है वेला मुंडा मिल दे यक्या को अच्छा लेकिन अक्सर मैं तुम्हारी वीडियो दे दरा ना बे वेला मुंडा वाकई मिल दे लेकिन दिल ते उम्मीद कर के आओ इंशाल्लाह वेला मुंडा मिल सी यार पता क्या अल्लाह राजी थी पवे लोग राजी नहीं थिंदे लोग कहीं को चंगी खांदे देख सकदन नहीं देख सकते तो बस सयाना बंदा बाजी ने को समझा कर अल्लाह वजदा रखे मेरे बिरावा को जेड़े गिल्ले करें दे जेड़े नहीं वेकने दे सारा को अल्लाह वजदा रखे व्यूअर जेड़ा सारा फ्रेम बनना है ना उंदा सोलर प्लेटा दा ओ फरूक भाई ने ओ भी बनावणे तुसा सो पेंट भी जो करंदा पे फ्रेम भी जो करंदा पे भाई जाने तो मैं कहना मल्टी टैलेंटेड है पे सारे काम करंदा तो हुन इंदे एक करना ही था इंदा जेड़ा ना ये तुसा एंगल जेड़ा घेना सो 335 फुट दा एंगल घेना सो ये केड़ा भाई केड़ा होसी ए डू है ना डेढ़ दा एंगल 335 फुट दा पैप जेड़ा घेना सो ओ 28 फुट घेना सो ठीक है फिर टियर घेना सो ना 128 फुट जेड़े ओ रावल बोल्ट वगैरह ओ बाद घेना सो ठीक है मतलब फिलहाल ए त्रै चीजा के ये हुंदा नक्शा बणया खड़ा साडे फ्रेम दा ए थोड़ीया प्लेटा पियन ए विच गैप ही वे ठीक है जेड़ा ताकि जेड़ी हवा आंदी है ना ओ हवा इन दे विच फर्क थी वने जाया थी वने ते ओ प्लेटा नु नुकसान ना करन ओके ओके मजीद चीजा जेड़ा नाल नाल बणया दे सो थो को दिखांदे सो फिलहाल ही पर्चे पकड़े ने और नाल बंदे पे व्यूअर पहुंचे अपने गांव दा दुकान ते बालीडू सामने रक्षा चिक्की बताई ई रक्षा दे विच बने पेट्रोल क्योंकि जेड़ा एंगल होसी ना जेड़ा लोहे दा सामान होसी ਇਸ ਰਕਸ਼ਾ ਤੇ ਲੱਡ ਗਿਆ ਸੂ 1 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਪੈ ਫੁੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਆ ਆ ਆ ਹੋਤੀ ਹੈ ਆ ਜੀਦਾ ਰਸ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਏ ਏ ਏ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਲੂ ਰਕਸ਼ਾ ਚੇ ਕੇ ਪਿਛਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜੁਲ ਕੇ ਐਂਗਲ ਪਰਚੇਸ ਕਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੱਖੀ ਵਾਸ ਆਏ ਖਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਸ਼ਿਫਟ ਥਿੰਦੇ ਪੈਣ ਕੁਝ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੋਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਜਲੇ ਬਾਸ ਹਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੱਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਛੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਏ ਪੱਖੀ ਵਾਸ सामने अस्सलाम वालेकुम मुर्शिद वेलकम बैक एक सा कुछ है सिर्फ डेढ़ डेढ़ दा एंगल 335 फुट ते एक नाली दे ऊंचा सा को गोल पैप 8 फुट दिया 28 फुट ते मंजी वाला अच्छा अच्छा हल्का ना यार 11 किलो दी 12 किलो वाली केड़ी नाली दी 12 किलो वाली 12 किलो वाली 12 किलो वाली नाली यानी के एक पूरी दे ऊंचा 8 फुट दिया दे ऊंचा 28 फुट ए दे ऊंचा 335 फुट डेढ़ डेढ़ दा एंगल पर ए व्यूअर सामने टियर पैवे थे ए टियर सा को पूरे 28 फुट चाहिए वे भाई ने सामने निशान ला दिता है वाइट इस जगह तक ने उडू ए तक की लेंथ पूरी थी गई थोड़ी तक कटाई करे पर तू सा डू दिहारा तुडे थे पेओसो के ए भाई जान मेरे वीडियोस ए चाया बताना दे पिछले वीडियो अगर तुसा दिठे ता मैं दसाया भी हां कि माशाल्लाह मेरा प्यारा दोस्त सिंगर मुजाहिद मंसूर मलंगी साहब दे शागिर्द दा भिरा है पे उन्होंने मेरे को पारत दी थी उन्होंने मेरे को सिफारिश की थी कि ई मेरे भिरा को यूट्यूब चैनल बना भी दे और एक प्रमोट भी कर दे एक एडिटिंग भी सिखा दे एक व्लॉग बनाना सिखा दे मैं किसी ताबेदार नौकर भिरा दा ता इको जनाब मैं चैनल बना दिता है वो पहला व्लॉग भी स्टार्ट करवा दिता है और ये माशाल्लाह हाले सीखता पे और उम्मीद करे ना कि आने वाले दिवार एक अच्छा व्लॉगर बन सी एक पॉजिटिव क्रिएटर बन सी और तो एक अच्छा अच्छा वीडियोज दे सी तो मैं एक ऑफ कैमरा भी ये चीज़ें समझाएं और
ऑन कैमरा भी चीजा समझा पियां पॉजिटिव क्रिएटर आवने कहीं भी कहीं खिलाफ वीडियो नहीं बनाने ठीक हो गया मतलब कहीं भी गलत गल नजर आवे सिर्फ पर्दा पाने ठीक है क्योंकि तुसा लोगों के ऐबा पर्दे पास अल्लाह पाक साडे ऐबा पर्दे पैसे और अगर अस अच्छी नीयत नाल चलसू ना अल्लाह पाक साकू उच्चे मकाम तो इज्जत नाल नवाजसी ठीक हो गया तो इंशाल्लाह व्यूअर इन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब की मैं करेसो इन चैनल का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे सा उतर क्लिक करके वन की चैनल ओपन करेसो और सपोर्ट करेसो सब्सक्राइब करेसो और इन वीडियो के तले वन के लिखो लव फ्रॉम वेला मुंडा की पहली वीडियो भी अपलोड थी चुकी है और इन यूट्यूब चैनल का नाम ही वे पिया मुहम्मद नहीं हूँ इतनी को लोड करके वजन तुलेसन क्योंकि लोहे का हमेशा बेल जड़ा ना वो किलो के हिसाब में आता है वजन के हिसाब में आता है थोड़े दही का टोटल कितना वजन बनता है उन्हें कल एक टीयर का 28 फुट का कितना बिल बन रहा है कितने पैसे बन रहे ये तुले ना खड़ा है भाई जाने दो कितना थी है कितना 18.5 ओके इन द बिल दे टोटल 18.5 किलो दा 4720 रुपए बिल बना ये हाल हेक्टेयर के दसे अंदाजा लो जले भी पाइप गिनना है ते हाल एंगल गिनना है उंदा पता नहीं कितना बिल बनता है हुन ए तरह सी हुन ए जड़ा ना हुन भी एक पाइप की दी वेने पाइप ही तर तकरीबन 28 फुट है पालो तू ए पाइप लोड करके लगा असा वाला गुजुते पे एंगल गिनदे ठीक है व्यूअर ए जड़ा पाइप की दसे ना ए भी 4500 रुपए दा मिले वे 4700 दा टियर गार्ड और 4500 दा मतलब ए थी गया 9200 रुपए इस टाइम टोटल खर्चा थी चुके एंगल हारी रंद है आओ जी जिल्लो अटक जगह पक्का पक्का काम कर पक्का काम कर रहे हैं ये थीसी ना सवेरे आवा चलो ठीक है आरजी तौर पे सेट कर देता है इन हवा जड़ा ना उत होन इन गेला जवासे बाकी आदे सवेरे वाला में तो पक्का पक्का सेट कर दे सा क्यों हर 15 दिन बाद खराब थी उस तो बाद हुन मेरी जेब जितने पैसे अंता 8-9 हजार ओ टियर टेंगल गिनना है बाकी मेरी जेब थी जो खाली तौल एटीएम दे कोलो छोटा बड़ा खर्चा पण गिन गिनने क्योंकि जड़ा साउंड जुल के टियर भी ओ एंगल गिनना से ना ओ भी तकरीबन 10 हजार दा मिल सी सी इवन ना मामू जी इंशाल्लाह प्लीज थैंक यू सो मच एटीएम मशीन तेरा बहुत शुक्रिया सारे इलाके में गंदम की कटाई का सीजन स्टार्ट थे इस वजह तो जो पे हार्वेस्टर ये सामने कटाई आले आ गए कुछ लोग इन को टबर घेल भी छेन तो बाद में पहुंचे बई लूहे वाली दुकान से इतो अस गिनने से एंगल जेड़ा सा उडू नहीं मिलया सामने कंडे तला दी तने उस सामने वजन तुलदा पे वजन थे चुके वे 219 किलो 15-20 एंगल ही वे पे सारे हाले थोड़े हैं पे मजीद वाला नेवणे पोसन 219 किलो दा टोटल बिल बने में 54850 रुपए ए इमे समझो 60 to 70 हजार दा सिर्फ इंदा मटेरियल बने वे व्यूअर हाले मजीद दी बनावण दी मजदूरी पौणी है हाले बिया मटेरियल भी आवणे मतलब मेरे ख्याल मुताबिक तकरीबन 1 लाख रुपए दा सिर्फ एंगल बनदा पे गोदा पूरा पूरा नहीं वे वडा महंगा मिले वे ए लास्ट एंगल देंदे पे कम से कम इस टाइम रक्षे दे उते 300 किलो लोड ही वे व्यूअर बालू है प्यार नाल ने में सट ना वने ठीक है ठीक है आ जले घर पहुंच बकला मोटरसाइकिल होवे पिछला सामान ना होवे हां तो आज को काम करे भाई काम ही हो खा जड़ा छोटा की दी वंदे तो साहब बुझा था वे के सारा जो फ्रेम है प्या सोलर दा ये तकरीबन 15 to 20 हजार बन वैसे ये तो फिलहाल मटेरियल 60-70 हजार जी लती भूल जांदा ना सादा जी में हुन वो फ्रेम है ਮਾਂ ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇਖੇ ਚਲੇ ਇਹ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕੀ ਕੋਈ ਦੇਖ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਅਜ਼ਾਫੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸੀ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 8 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਨੇ ਦੇ ਪੈ ਅਭਿਓਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਘਰ ਦਾ ਚਬਾਰ ਹੈ ਨਾ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਲਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਿਰ ਕੋ ਟੱਚ ਨਾ ਥੀਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਛੱਪਰ ਦਾ ਛੱਪਰ ਬਣ ਵਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਛਾਉਂ ਦੀ ਛਾਉਂ ਬਣ ਵਣੇ ਔਰ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੋ ਕੰਮ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਹਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਧੇਰੀ ਚੱਲੇ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਥੀਵੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿੰਦਾ ਪਏ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਅੱਬ ਹੋਣੇ ਆਦਨ ਕਿ ਸਾਦਾ ਸਾਦਾ ਬਣਵਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਕਾ ਜਿਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 20 to 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਸੇਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਹਾਈਟਡ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਠੀਕ ਵਾਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲੇ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਆਥੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਲੱਖ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਵਨ ਪੋਸੀ ਸ਼ਹਾਦ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਵੀਵਰ ਹੂੰ ਚੌਕ ਮੁੰਡੇ ਸੇ ਆਇਆ ਹੂੰ ਚੌਕ ਮੁੰਡੇ ਸੇ ਆਇਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਦੇਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੈ ਪੈਕੁਲਖਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ
शाम के टाइम कुलखानी जी हाँ जनाब अगे पिछे तो तकरीबन 10-11 बजे फर्स्ट टाइम होंगी कुलखानी लेकिन माह रमजान की वजह तो कुलखानी शाम गए पे सारे चौक मुंडे अवान बिरादरी बैठी है उन्होंने सारा बहुत ही अच्छा ताल्लुक है पे फैमिली रिलेशन पे उन्होंने एक बुजुर्ग है पे अल्लाह पाक उन्होंने को जन्नत अल फरदौस जगह ता फरमावे उन्होंने बुजुर्ग रिसेंटली 2-3 बार पहले डेथ थी गई तो इस वजह तो बहुत प्यारा ताल्लुक वैसे शहर के भी हैं तो इस वजह तो कुलखानी अटेंड करना भी जरूरी है मैं अक्सर ब्लॉग स्टॉक उन्होंने बंदा कहें खुशी शामिल न थी संगे तो वाल भी गुजारा चल वेंदे लेकिन जी गमी है ना इन चार हाल बंद को लड़ना चाहिए क्योंकि गमी आया हुआ बंदा ना सारी जिंदगी बंद को याद आता है औखा वक्त गुजर वेंदे लेकिन औखे वक्त जरा बंदा खड़े ना वो सारी जिंदगी भूलता नहीं सामने ही सर तू ना डेरा है पिया अवान हाउस लिखा खड़े डेरा मलिक यूसुफ मलिक मोहम्मद इजाज एवर सामने कुलखानी वाला तंबू लगा खड़ा टेंट ही दे परली साइड पे पे कुलखानी और टाइम थी ना पे 6:30 कबूल मकबूल फरमा उनके वसीला जलीला से तमाम अंबिया कराम अलैहि मुसल्लातु वसलाम सहाबाए कराम शहदाए कराम अजवाज मुतहरात ताबीन तबा ताबीन पेश करते हैं कबूल मकबूल फरमा कुलखानी अटेंड कर गई थी दुआ करो अल्लाह पाक उन्हें लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमावे और अल्लाह पाक को जन्नत अल फरदौस जगह अता फरमावे उस तो बाद यार असा पहुंचे हैं सामने तारिक सोनी भाई की दुकान ते तो असा जेड़ा सोलर प्लेटा लवेंदे पे ना सोलर प्लेटा जेड़ी सप्लाई है मैं जेड़ा को कंट्रोल करे सी वो तारिक भाई को आख्या से भजन साडी सप्लाई रेडी है भाई रेडी असा सोलर प्लेट उन वर्चा आ गया से आज फ्रेम दा सारा लोहा पड़ गए उस तो बाद उन सा सप्लाई देओ ते सवनु उन शिफ्ट करन करे सो ए दसो जिस टाइम थोड़ा फ्रेम फिट हो जाएगा बस फ्रेम तो बाद ही फिटिंग होंदी फ्रेम तकरीबन कोई एक डेढ़ बार बणवे से अबो कितना डवर लगता है 3 दीवारा लगता है 3 दीवारा आप बणया किछे दा किछे ले गए यार उधर सिस्टम तब्दील है असि की करांगे असि ऊंचा कीता ना जरा फ्रेम को बहुत ऊंचा कीता एक ए वाली बॉडी ए पई दूजी केड़ी है अच्छा दूजी है तो साडी ना केड़ी है भाई ये ali मैं कोई या पसंद है भाई शेयरिंग इन द शेयरिंग दा क्या मतलब है भाई शेयरिंग दा मतलब वाप दा शेयरिंग मतलब वाप दा शेयरिंग तुमरा दे के जेले इदा करंट घट सी सोलर प्लेटा सूरज आवे जेड़ा हो सी इन साइड तो गए बदल आ सी मतलब सूरज गायब थी सी तो दौरान वो वाप दा को शेयरिंग अन गन सी और इन दे डबल शेयरिंग है सिंगल नहीं है डबल है अच्छा मतलब कामयाब है ओके हां जी डबल शेयरिंग है डबल फ्रिज है अच्छा डबल है पिया देखने तो व्यूअर काफी खूबसूरत है पिया माशाल्लाह मजीद इन रिजल्ट जड़ा ना लगन दे बाद सब दसेसो कल अपने चक्के च मैं एक लवाई है अच्छा 5 किलोवाट वाली 5 किलोवाट वाली ए कितने किलोवाट वाली 7 किलोवाट 7 किलोवाट दी हुन साडे वास्ते इन दी क्या रेट बणदे सी मोहब्बत अल्लाह ऑफ कैमरा करू भूले रह गए 3 साल हो गया बोर लगा पिया असा उन्हों की तार आंदी पी 57 चक चो इतनी लंबाई च तार आंदी पी आखद बिल 15,000-20,000 आंदा जिस दिन का लाया 7-8 सौ बिल आ गया क्योंकि असा रात को तो पखे चल रहे सारा डी फ्रिज चलती मोटर चलती एसी चलता सारा कुछ बड़ा फायदा नहीं मैं को व्यूवर याद है कि मतलब ढेर सारे कमेंट शायद तुम वीडियो नहीं दिखी होती पढ़े नहीं कमेंट मैं पढ़े यार मेरे को इनवर्टर लाओ मतलब वो सप्लाई के मुतलक मैं वाली मैं तारक भाई ने आखिया मैं सप्लाई ही लावनी है सर जी मेरी तलक बेस है और मैं बचत बेस है कि मतलब बचत ही करा इन असा 2-3 जगह ते इनवर्टर ला के आया ना अगर कोई वाप डा या बैटरी नहीं दी ना जो ही पानी वाली मोटर ऑन कर दे ट्रिप थी बंदा ट्रिप थी वन वाला काम नहीं इंदे च जान है च लेंदा ओके मतलब ऐसा व्यूअर अपना एक्सपीरियंस ऑनल शेयर कर सकते ये चीज इनवर्टर कोने बेहतर है या कोई ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह ओके क्योंकि तारिक भाई ने मेरे को कहा कि भाई अगर तुमको ना पसंद है तो वापस कर दे इस वड्डा भी क्या ऑप्शन है बस इस तो बस गल और मुक गई ये तोड़ा देखो हुन किवें मैं ते पंगे नहीं गिंदा ये किवें हो सी तोड़े किथों निकल दी वीडियो हां वीडियो तो सा YouTube ते सर्च करे सो ना YouTube किथा है पिया ये कोई पता नहीं किथा है पे YouTube ना YouTube YouTube खड़ा है इने YouTube है YouTube ते तो सा सर्च करना है तो मेरा वीडियो दे देखो नहीं बे यार डे दा लेकिन जड़ी आगे आवेंदे ये देखो ए वेला मुंडा हां ठीक है ए वेला मुंडा साथ निक्का मेरा जेड़ा वो तोड़ा फैन है ते वो चला ही रखता है आज साडे घर साडे घर रहे ये जनाब इथा मेरे ये रात में देखी है वीडियो ये वीडियो देखी है बस ए देखा ए वीडियो मेरे खणन थी इथा तो वेला मुंडा सर्च करे सो वाला इधर क्लिक करो मेरी तस्वीर उतली दे उस तो बाद इथा मेरे ना ए वीडियोस च आवे सो अच्छा सामने दा वीडियोस ला इस वीडियोस च सो फ्रेश फ्रेश वीडियो आवे सी 21 घंटे पहले दी 1 दिवारा पहले दी 2 दिवारा पहले दी 4 दिवारा पहले दी 5 ए सॉरी तरतीब ना लिखणन थे वीडियोस
ਹਾਂਜੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਮੇਰਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਆਲਰੇਡੀ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਡੇ ਮੇਰੇ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਇੰਜ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸੋ ਇਹ ਵੀਵਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨੁਸਖਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਪੂਰੇ 45000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਵੇਂ ਪਿਆ ਇਵੇਂ ਸਮਝੋ ਜਲੇ ਪਲੇਟਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਈਨਲ ਥੀ ਉਸ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਥੀ ਵੈਸੇ ਅਗਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਲੱਗ ਵੈਸੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਘਰ ਮੇਰਾ ਟੋਟਲੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਥੀ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲਣ ਏਸੀ ਚੱਲੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲੀ ਵਾਰ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਘਰ ਰਕਸ਼ਾ ਓਹੋ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਢਹਿ ਪਈ ਹੈ ਰਕਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਡ ਥੀ ਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਖੜੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬਲਦੀ ਖੜੀ ਅੰਦਰ ਮੈਰ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਵੱਧਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਂਟ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਭਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟ ਸੀ ਨਾ ਖੜਾਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਰੰਟ ਦੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਪੇਂਟ ਥੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੇਂਟ ਹੈ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪੇਂਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵਜੇ ਨਾ ਇੱਕੋ ਪੇਂਟ ਥੀ ਵਜੇ ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਹੈ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੱਬੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਪੁੱਛੀ ਨੇ ਕੋਲੋ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਥੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੀ ਨਾ ਬੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪਿਆ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਗਿੰਨੂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਸੂ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੋ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲਈ ਪਾਰਟਨਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।